दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान के समीप स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी व हिमाचल निर्माता और देश के पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार की दुर्लभ फोटो गैलरी शुरू हो गई है। पहली दुर्लभ हिमाचल फोटो गैलरी का आयोजन हिमाचल फोटो गैलरी के संचालक सेवानिवृत्त प्रोफेसर राजेंद्र अत्री द्वारा किया गया है। इस फोटो प्रदर्शनी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री यशवंत परमार के बचपन से लेकर अंत समय तक की दुर्लभ तस्वीरें सजाई गई है। प्रदर्शनी संचालक राजेंद्र अत्री का कहना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व डॉक्टर परमार का देश और प्रदेश में भिन्न योगदान है। उनके जीवन चित्रों के माध्यम से सोलन शहर की जनता सहित पर्यटकों को देखने का अवसर प्रदान करने के दृष्टिगत यह फोटो प्रदर्शनी आयोजित की गई है। दिव्य हिमाचल से विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यह उनका इस तरह की फोटो गैलरी स्थापित करने का व्यक्तिगत प्रयास है। स्वागत है सोलन से, इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं मोहिनी सूदा कैमरामैन दीप भाटिया के साथ। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी आर्ट गैलरी में लेकर आए हैं जहां पर महात्मा गांधी की बचपन से लेकर उनके जो जीवन की यात्रा है, उसकी जो जीवनी है, वो संजोए हुए है। यहाँ पे एक आर्ट गैलरी जो है शुरू की गई है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है डायरेक्टर फोटो गैलरी डॉक्टर राजेंद्र अत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे मन में आया कि ये कॉन्सेप्ट शुरू किया जाए और कहाँ से आपके प्रेरणा हासिल? कॉलेज से रिटायर हुआ प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस मेरा विषय रहा है, तो इनकी डॉक्टर वाई एस परमार और महात्मा गांधी की फोटो गैलरी मैंने ऑलरेडी लोअर पंथाघाटी में अपने घर में एस्टेब्लिश की हुई है। एक मंजिल मैंने पूरी इन महान आत्माओं के लिए डेडिकेट किया है। बचपन से आपको इस मतलब क्षेत्र में रुचि थी, हाँ, इन सबकी फोटोग्राफ्स जोनी है? बचपन का तो ऐसा तो कुछ नहीं है। डॉक्टर परमार के विषय में मैंने 2006 में पुस्तक लिखी थी। डॉक्टर परमार मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, मेरे लिए क्या हिमाचल के लिए उनका बहुत अधिक योगदान रहा है। महात्मा गांधी के विषय में भी मेरा ये मानना है कि इनका भारतीय राजनीति में, भारतवर्ष को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारी नई पीढ़ी है, जो इन दो महान आत्माओं को भूल गई है, वे कम से कम इस फोटो गैलरी में आकर इनके विषय में अवश्य कुछ ना कुछ सीखेंगे, इनके लिए कुछ ना कुछ यहाँ जरूर अवश्य में उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, दर्शकों आपको बता दें कि डकसाई में तो महात्मा गांधी की यादगार जो है चीजें वहां पर अभी भी मौजूद है। सोलन में एक और आर्ट गैलरी ऐसी खुल गई है जहां पर उनकी फोटोग्राफ्स यहां पर संजोए हुए हैं। मैं चाहूंगी पर कैमरामैन जरूर दिखाएं आपको कि जैसे ये फोटोग्राफ हमारे सामने है, उनकी अंतिम यात्रा की जो चित्र है वो है कि किस तरीके से उनकी अंतिम यात्रा जो थी। शिप टू अटेंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये भी देखिए बहुत पुरानी फोटो है और 1931 की ये फोटोग्राफ है, इसे भी संजोए हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र अत्री। कितनी फोटोग्राफ्स हैं टोटल और कब से कब तक की है? मेरे पास महात्मा गांधी की जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे फोटोग्राफ है। उसमें पॉलिटिकल जो इनका एंगल था, राजनीतिक एंगल था, उपवास आदि करते थे, सारी फोटोग्राफ मेरे पास इस समय उपलब्ध है। शिमला में आपका फोटो गैलरी ऐसी पहले से चल रही थी, सोलन में किस तरीके से आपको क्या मन बना कि मैं सोलन आऊं और ये करूं? मुझे ये बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को मैं नेशनल लेवल पर लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि खासतौर से महात्मा गांधी के विषय में नेशनल लेवल पर इस तरह की कोई फोटो गैलरी उपलब्ध नहीं है। आने वाले समय में अगले माह मेरी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें महात्मा गांधी और डॉक्टर वाई एस परमार की फोटो गैलरी हिमाचल भवन में दर्शाई जाएगी और मैं सारे नेशनल लेवल पर मीडिया को एड्रेस करूंगा। डॉक्टर साहब, अगर बात करें लगभग कितनी फोटोग्राफ्स हैं टोटल? महात्मा गांधी के ऊपर महात्मा गांधी के जो फोटोग्राफ है 250 के करीब मेरे पास इस समय रेयर फोटोग्राफ उपलब्ध है, और डॉक्टर परमार की तो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी फोटोग्राफ है हिमाचल से संबंधित सारी मेरे पास एक्सक्लूसिव अधिकार है। इनके विषय में मैंने पुस्तक भी लिखी है, सब कुछ इनका मेरे पास होगा। तो ये फोटोग्राफ्स आप तक कैसे पहुंची, कैसे आप? ये तो मैंने इनके डॉक्टर परमार के जो बेटे हैं लव परमार, उनसे प्राप्त की थी 2006 में। उसके बाद ही मेरे को इस विषय में आइडिया आया, मैंने कहा अगर हम इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं तो डॉक्टर परमार के विषय में हमारी जो आने वाली पीढ़ी है बहुत कम जानती है, डॉक्टर परमार को भुला दिया जाएगा, जो मुझे उचित नहीं लगा। इसलिए मैंने अपने प्रयासों से इनके रेयर फोटोग्राफ दुर्लभ चित्रों को सजोया। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो रूम है वो महात्मा गांधी की फोटोग्राफ्स यहाँ पर हैं, और दूसरे रूम में हम आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री
डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की फोटोग्राफ मौजूद है, वहां ले चलते हैं कि किस तरीके से कैसा उनका बचपन रहा है, क्या क्या उन्होंने किया है। हम देख पा रहे हैं कि डॉक्टर परमार की 3 वर्ष की आयु थी जब वो थे, कैसी फोटोग्राफ थी, बिल्कुल भोला सा चेहरा और बचपन से इनकी फोटोग्राफ चली है, पेरेंट्स के साथ उनकी फोटोग्राफ है। उद्देश्य तो देखिए ये फिक्स तो ये फोटो गैलरी शिमला में होगी। मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार से उठाने जा रहा हूँ, जिसमें मेरा ये मानना है कि महात्मा गांधी जैसे साउथ अफ्रीका में उन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य 15 वर्ष गुजारे हैं, तो मेरा ये मानना है कि मैं खुद भी वहाँ विजिट करूँगा, इंग्लैंड लंदन में जाना चाहूँगा कि उन्होंने किस तरह से उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई है। वो तो मेरा एक बहुत लंबा प्रयास रहेगा, अगर ईश्वर ले जा तो मैं शायद इस कार्य में सफल। जो भी महात्मा गांधी के विषय में दुष्प्रचार आज किया जा रहा है, किसी न किसी रूप में महात्मा गांधी को देश विभाजन के लिए भी उत्तरदायी माना जा रहा है, इस तरह की भ्रांति लोगों के मन में नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी एक महान पुरुष थे, उनके विषय में आइंस्टाइन ने ये कहा था कि आने वाली पीढ़ी जो है शायद ही विश्वास करेगी कि इस तरह का हड्डी मांस का व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर कभी उसने आचरण किया होगा, चला फिरा होगा। तो हम तो क्या बोलेंगे कि इस व्यक्ति ने क्या किया है। अगर आप महात्मा गांधी और डॉक्टर परमार के विषय में पढ़ते हैं, जानते हैं, उनकी बुक्स को देखेंगे तो आपकी सारी भ्रांतियां दूर हो जाएगी और आपके मन में यही आएगा कि बहुत ही महान आत्मा रही है। आईएएस ऑफिसर वीर सिंह ठाकुर जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका भी। कैसा लगा आपको इस आर्ट गैलरी में आकर और क्या कुछ नया जो है आप सीखा है? ये आज मैंने यहाँ विजिट किया इस आर्ट गैलरी का, तो ये राजेंद्र सिंह ठाकुर का एक बहुत अच्छा प्रयास है परमार जी पर और स्वतंत्रता संग्राम पर, जो इन्होंने एक आर्ट गैलरी में अपना कंट्रीब्यूट किया है और बहुत रेयर पिक्चर्स हैं जो कि इतिहास की, हमारे हिमाचल प्रदेश के जो इतिहास की एक कड़ी का एक अहम कड़ी है उसको इन्होंने डिपिक्ट किया है और इनका एक कंट्रीब्यूशन, एक कृतज्ञ एक नागरिक जिन्होंने हिमाचल के बनाने में, निर्माण में और इसको विकास के लिए एक जो नींव रखी, फाउंडेशन स्टोन रखा, उनके लिए भी एक हिमाचल के लोगों की तरफ से एक कृतज्ञता का एक एक उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया।
तो दर्शकों ये थी सोलन की फोटो गैलरी जो यहाँ पर नई स्थापित हुई है, जहाँ पर महात्मा गांधी और हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की यादों को संजोया गया है।